सौ करना, साढ़े चार सौ हाँ, साढ़े चार सौ हाँ। ये लो तो गाइस यार ये छोटे छोटे पुल आ रहे हैं और व्यू आ रहे हैं काफी अच्छे होंगे। और मैं बताना भूल गया था, मैंने अपनी बाइक का टैंक फुल करा लिया है और आज जा रहे हैं हम चोपता। तो यार जो मस्त मस्त व्यू होंगे वही दिखाएंगे। और साथ में हन्नी भाई भी आए हैं जो श्रीनगर के हैं, तो वो भी चोपता आए हैं। मैं भी निकल ही रहा था, बट मैं कल निकल रहा था एक दिन पहले, तो भाई का रात को मैसेज आया कि मैं भी आ रहा हूँ, तो वो कल रात पहुँच गए थे चोपता, तो मैं अब निकल रहा हूँ, तो वहीं मिलेंगे दुगल भिट्टा में। और यार जो व्यू होंगे मस्त मस्त वही दिखाऊंगा मैं और इन्जॉय करेंगे। और गोपेश्वर से अभी मैं 5 या 6 किलोमीटर आगे आ गया हूँ, तो अब मिलेंगे आगे। और मैं तो अभी सुबह के 9:20 हो रहे हैं और मैं 9:10 पे निकल गया था शायद गोपेश्वर से, तो अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। यहाँ से 39 या 40 के आसपास होगा चोपता। और तो हन्नी भाई थोड़ा उससे आगे हैं। और यार लाइक से सब्सक्राइब कमेंट कर दिया करो यार, 1K करवा दो और मैं गिव वे करूँगा यार बहुत जल्दी। जो सुन रहे हो ना सच है यार, करूँगा 1K होने दो, मैं गिव वे करूँगा। ज़्यादा बड़ा भी नहीं करूँगा, ज़्यादा छोटा भी नहीं करूँगा। तो गाइस यार ये यहाँ बैंडी बैंड है छोटे छोटे, और यार इनमें ना थोड़ी दिक्कत होती है बाइक चलाने में। और ये ड्यूक तो बहुत हीट मारती है यार बहुत। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है चोपता का, तो यार इन्जॉय तो करते हुए जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। और देख रहे हो पेड़ों में फूल कैसे हैं, तो यार यही टाइम है इन्जॉय करने का। और यार व्लॉग तो मैं देता रहूँगा, अब रुकूँगा नहीं। और यार ये छोटे छोटे गाँव है, इन्हीं से गुजर रहा हूँ अब। कोई भाई मिल गया है शायद, पता नहीं कौन है। क्या बोल रहे हो? अच्छा चलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं, पता नहीं यार कौन थे, मैंने सोचा मेरे दोस्त लोग हैं मिल जाते हैं, तो वो कोई और ही थे। तो यार यहाँ न्यूट्रल कर देते हैं गाड़ी, जब ढलाना है पेट्रोल बच रहा है तो बचा देते हैं। वैसे भी 91 हो गया है हमारी एरिया में, तो गोपेश्वर में जहाँ मैं रहता हूँ, और जगह का मुझे पता नहीं है, बट हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग रेट है। तो यार तो गाइस यार फाइनली हम मंडल पहुँच गए यार, काफ़ी कुछ ही टाइम में, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा यार, 20 या 22 मिनट में पहुंच गए यार। ये मंडल का मार्केट है और ये NCA माता का गेट है यार, एक दो बार आया हूँ मैं काफ़ी पहले, तो गाइस यार मुझे पता है यहाँ का। और ये ऊपर से है ये रास्ता, काफ़ी उस पहाड़ के ऊपर है मंदिर वो NCA माता का। तो यार पैदल है वो भी 4 या 5 किलोमीटर के आसपास। ऑन है, चलो GoPro, मैं सोच रहा था मेरा GoPro ऑफ तो नहीं हुआ है, 15 मिनट में ऑफ हो जाता है। यहाँ सब जंगली जंगल का रास्ता है शायद, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम है, मुझे भी नहीं पता है इतना। देखो ये हैवी ड्राइवर कुछ, एक साथ चार चार इधर भी पेड़ इधर भी पेड़, जंगल है पूरा, बांच का जंगल है। और मेरी गाड़ी तो यार सेकंड में ही चल रही है 30 तक, तो बहुत कम जगह, और गाड़ी हेट मारेगी मेरी। अब रोड थोड़ी बहुत तो ठीक आई है, तब गाड़ी चल रही है ठीक ठाक। और व्यू जब भी आना हो ना तो यहाँ यार एक बार ज़रूर आ जाना, अभी तक तो मुझे बढ़िया लगा भाई। अगर रोड भी ख़राब है ना तो यार व्यू इतने अच्छे हैं ना, आगे जाने का मन कर रहा है यार गाइस। ये पता नहीं किस चीज़ के पेड़ हैं लंबे लंबे, मुझे भी नहीं पता क्या है ये, जो भी होंगे बता देना कमेंट करके, जो देख रहे होंगे जिन्हें पता होगा। चोपता 8 किलोमीटर, 8 मेरे मुँह से कभी कभी यार गलत गलत निकल जाता है, तो यार उस पर ना ज़्यादा ध्यान मत दिया करो।
तो गाइज यार यही वाला है ये टावर जिस पर लोग चढ़ते हैं, मैंने काफ़ी बार देखा है और मेरे दोस्त लोग भी बोल रहे थे इस पर चढ़ जाना। क्या पता मैं नीचे आ जा रहा हूँ, वैसे ही मुझे हाइट से बहुत डर लगता है यार। ओ भाई क्या व्यू है यार, एक नंबर यार, एक नंबर भाई। बर्फ भी है यार यहाँ तो बड़ी भी, कभी ठंडा लग रहा है, मैं बोल रहा ठंडा क्यों है भयंकर यहाँ। चोपता ग्रीन व्यू यही है मेरे दोस्त का, जो रमोला है। तो यार जिसको आना है यहाँ आ जाना, ये रेस्टोरेंट और रुकने के लिए अच्छा है। और चोपता पहुँच ही गए हैं, बस भाई ने बताया था वहाँ से थोड़ा सा आगे है, और कैंपिंग के लिए भी है यार यहाँ पर। ठीक हुआ जगह लेके आ गया, बहुत ठंड है और बर्फ भी पड़ी हुई है भाई, फट रही है हाथ पैर ठंडे हो गए मेरे, बर्फ यहाँ पड़ी हुई बहुत कम है यार, बट ठंड तो लग रही है। मैंने तो कुछ नहीं पहना, बस एक हुडी पहनी है और उसके अलावा कुछ नहीं, एक अंदर से टी शर्ट है। फट रही है गाइस, फट रही है। चोपता भी आ गया, आ गया, पहुंच गए हैं चोपता। हन्नी भाई को कॉल करते हैं, देखते क्या है, या उनकी गाड़ी कहीं लगी हुई मिलेगी, बट नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है वरना फिर भाई दुकल बिट्टा होंगे। बस या तो डोमिनार लाए होंगे या वो लाए होंगे ड्यूक 390 अपनी। तो गाइस यार यार फाइनली हनी भाई मिल गया, थोड़ा वेट किया आधा एक घंटा तो आ गए थे यार, ऊपर गए हुए थे तुंगनाथ, और अब भाई निकल जाएंगे आगे के लिए और मैं जाऊंगा दुगल बिट्टा। भाई की बाइक में शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो चाहिए तो नहीं टूल किट, हो गया ना, कोई नहीं। तैयारी है अपने कैंडी भाई जिनकी ये ड्यूक 390 BS6 है सेम मेरे जैसी। हन्नी भाई आ रहे हैं पीछे, भाई जाएंगे अब सीधा श्रीनगर कालीमठ होते हुए, पहले भाई कालीमठ जाएंगे तो भाई के व्लॉग में दिख जाएगा, और अब मैं जा रहा हूँ दुगल बिट्टा। दुगल बिट्टा यही है ना कि आ गया दुगल बिट्टा, आ गया है ना यार, 7-8 बोल रहे थे किलोमीटर शायद। हाँ तो गाइस यार एंजॉय भी कर लिया, नाश्ता नुश्ता सब कर लिया, तो हनी भाई अब निकल गए हैं यार श्रीनगर के लिए, और अब हम भी जाते हैं घर अपने। यार DSLR निकालने का मौका नहीं मिला, और कुछ से यार इतना कुछ खास था भी नहीं, खाली इंजॉय किया, घूमे फिरे, वो हमने नहीं दिखाया कैमरे में जो हमने इंजॉय किया गाइस। और तो गाइस यार सोलो राइड का भी मज़ा अलग ही है, मज़ा आता है, नेक्स्ट लेवल मज़ा है। ये मुझे करनी थी, बहुत टाइम बात करी है सोलो राइड यार, मेरा तो फर्स्ट टाइम था क्योंकि मुझे तो मज़ा आना ही था, और बाकी लोग तो बोल रहे थे ये चूतिया हैं, मतलब जो आए थे हमें तो वो हमें चूतिया बता रहे थे कि ये चूतिया यहाँ करने के आ रहे हैं और यहाँ तो कुछ नहीं है, बट यार हमें अच्छा लगा। अब डेली मारेंगे तो यार गंदा तो भद्दा तो लगेगा, और यार कभी कभी जाएंगे तो अच्छा तो लगेगा यार, मुझे तो अच्छा लगा काफ़ी। भाई जो कभी कभी आते हैं तो वो आ जाना, उनके लिए भाई बेस्ट जगह है सब। यार कुछ भाई लोग बोल रहे होंगे कि मैं ऊपर क्यों नहीं गया तुंगनाथ, भाई मेरे बस की नहीं है ट्रैकिंग बिल्कुल भी, ना यार मुझसे पैदल बिल्कुल चला जाता है, जब से गाड़ी ले लिया यार तब से तो बिल्कुल पैदल चलना छोड़ दिया मैंने। भाई एक बार वहाँ गया था रुद्रनाथ, हालत बेकार हो गई थी, हालत बेकार, कैमरे कुमरे भी फेंक दिए थे मैंने सब अपने एक साइड। भाई मैं नहीं करूँगा व्लॉग उस टाइम, तो स्टार्ट किया था अरवास तो कैसी पड़ा है, वो इंट्रो का भी एंड ही नहीं हुआ ना व्लॉग बना उसका आगे। 2 किलोमीटर चलने में भाई हालत ख़राब हो गई थी मेरी, पैदल गया था डंडा ले लेके बुढ़े की तरह,
अब से नहीं जाएंगे भाई, जो है बाइक पे करेंगे राइड, मोटो व्लॉग करेंगे बस, अब यही है भाई। मुझसे नहीं हो पाती है सच्ची बोलूँ तो बिल्कुल भी ट्रैक, इसलिए मैं नीचे रुका हुआ था भाई। मैंने नीचे घूमा चोपता में दुगल बिट्टा, उधर ही घूमा मैं, उधर ही इंजॉय किया। गाइस यार देख रहे हो हैवी ड्राइवर व्हीली मार रहा है व्हीली। ये देखो कुत्ता क्या कर रहा है, डांस कर रहा है। यार पहली बार देख रहा है यार कुत्ता डांस करते हुए। गोपरों मेरा ऑन था, वो तो लगा हुआ था अपना, तो आने वाला है मेरा घर और पहुंच गया हूँ। तो यार ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर देना, और अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मेरे घर आ गया, और अब मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।